एक बार आवर्त महोत्सव रखा और एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ का नियम था, पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञ का नियम था, यज्ञ में घंटा लगता था, वो यज्ञ की जैसी पूर्णाहुति होती थी तो यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाता था, अपने आप बजता था, उसे बजाता कोई नहीं था, अपने आप बजता। आज यज्ञ का घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मणों आपने यज्ञ करवाया पर ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। ब्राह्मणों ने कहा, हमने तो यज्ञ अच्छा करवाया पर घंटा क्यों नहीं बजा, समझ में नहीं आया। तब इतने में ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण यज्ञाचार्य ने कहा, मुझे लगता है यज्ञ दो तरह का होता है, एक यज्ञ जो अग्नि में साकल्य दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो कि भंडारा किया जाए और लोगों के मुंह में भोजन दिया जाए, वो यज्ञ भी प्रबल होता है। महाराज हमको लगता है यहाँ दोनों यज्ञ हुए, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। मुझे लगता है भंडारे में कोई भूखा रह गया है, कोई भूखा है। अब भूखे व्यक्ति को ढूंढो। पांडव गए और पांडव जाकर जरा पता करो कि भूखा कौन है अपने नगर में, यज्ञ का घंटा बजेगा। जाकर देखा तो एक कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। बाबा आपने भोजन किया है? नहीं। आपने भोजन नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं काहे को भोजन करूं, भंडारा हो रहा चलो भोजन करो। नहीं नहीं मैं नहीं करता। भंडारे में भोजन नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? मैं उसके घर में भोजन करता हूं जो मेरे को 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य देता है। पांडव मेरे को 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य देते, मैं उनके भोजन कर लूंगा। अब पांडवों ने सोचा, अपनी जिंदगी में पहला तो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है और 108 अश्वमेघ यज्ञ तो हमने कभी जिंदगी में नहीं करे, तो हम इसको पुण्य कहां से दे बाबा को। पांडव चले गए। द्रौपदी ने पूछा, कोई मिला? हाँ, एक संत मिला है पर 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मांग रहा है। द्रौपदी ने कहा, चलो मैं लेके आती हूं उस बाबा को। द्रौपदी गई, रथ लाया गया। द्रौपदी ने कहा, रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। चप्पल लाई। द्रौपदी ने कहा, नग्न पैर से जाऊंगी। नंगे पैर द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंच गई। बाबा चलो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है भंडारे का, भोजन करना। बाबा कहते हैं, द्रौपदी तुझे मालूम नहीं मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं तेरे यहाँ भोजन कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा, लो बाबा संकल्प छोड़ती हूँ और 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य तुमको देती हूँ। संत ने कहा, द्रौपदी तेरे पति ने तो कभी पूरे यज्ञ नहीं करे, तूने कब कर लिए? द्रौपदी बोली, बाबा मैंने सुना है मेरे कृष्ण के मुख से, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ में पैदल पैदल जाता है, जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेघ यज्ञ वो अपने जीवन के कर लेता है। महाराज उतने अश्वमेघ यज्ञ वो अपने जीवन के करता है। और द्रौपदी ने कहा, बाबा मैं तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आई हूँ, 18,000 कदम मैं चलकर तेरे दरवाजे पर पहुंची हूँ, उसमें से 108 अश्वमेघ यज्ञ तुमको दे। संत उठकर खड़ा हो गया, द्रौपदी के यहाँ गया, भोजन करा तो यज्ञ का घंटा बज गया। महाराज यज्ञ का घंटा बजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इसी तरह से और भी उपायों से संबंधित वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।